हेलो भाई, मैं ओमकार। ये है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। अब एक बात बता दो जिनको पता नहीं है, ये है मॉडल VXI और VXI में मैनुअल पेट्रोल CNG नहीं आता। ये वेरिएंट जो है वो उन बंदों के लिए है जो है वो मारुति सुजुकी ब्रेजा तो लेना चाहते हैं, एक फील तो लेना चाहते हैं एक SUV का कम पैसों में, और दूसरी बात है जो CNG नहीं चाहते, उनका जो है वो रनिंग भी ज़्यादा नहीं है और CNG में वो रखना चाहते नहीं चाहते। एक अगर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड मेंबर है, तो ये वाला बूट चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला वेरिएंट आपको सही रहेगा। जो भी इतना जो है वो 410 लीटर का बूट आपको मिल जाता है अगर CNG वगैरह डलवाते नहीं हो तो। अगर CNG डलवाते हैं तो वही बूट 330 लीटर के अंडर बन जाता है, फिर भी बूट बच जाता है, पार्सल ट्रे वगैरह बढ़िया आता है, अभी बताता हूँ आपको। और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में गाड़ी चली जाती है, और ये जो है वो सफोमीटर जो है वो SUV में चली जाती है। इसकी जो है वो स्लीक कंप्यूटर Hyundai की वेन्यू और किया की सोनेटो ये गाड़ी आती है। लेकिन एक बात बता दो, उससे ये गाड़ी अगर कॉम्पीट करती हो ना तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भाई मानना पड़ेगा मारुति सुजुकी को, किया से भी बढ़िया क्वालिटी है। देख लो अभी अब पत्र दबता भी नहीं है, अगर मारुति सुजुकी डिजायर इसके साथ कंपेयर करते हो तो उसका पत्रा भी दबने लगता है, तो काफी बढ़िया है यार कन्वीनियंट वाइज। और गैलेक्सी ग्रे कलर या डार्क ग्रे कलर का वो मिल जाता है। अब ये VXI 12,30,000, 11,60,000 एक शोरूम कीमत है, 12,50,000 तक आपको जो है वो VXI प्लस जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, और 12,50,000 तक आपका जो है वो डील हो जाता है। अभी तो 12,40,000 कर दिया है मारुति सुजुकी की कीमत, एक साल हो चुका है इसको। तो सबसे पहले ये जिनके लिए भाई साहब ये वेरिएंट है वो लोग ज़्यादा रनिंग नहीं है, और दूसरी बात है जो फैमिली ओरिएंटेड है, मतलब फैमिली ज़्यादा बड़ी है, उसके लिए ये वाला वेरिएंट है, और वैल्यू फॉर मनी भी है। मैं बता दूँ 12,00,000 में आपको एक बड़ा मॉडल मिल रहा है, वो भी पेट्रोल में 17-18 की माइलेज दे रहा है। अब एक करके बात बताता हूँ। सबसे पहले जो हैलोजन आपको प्रोजेक्टर लैंप मिल जाते हैं, वो भी सिंगल प्रोजेक्टर, कम से कम प्रोजेक्टर हैलोजन लैंप तो दे दिया यार गाड़ी में। पियानो ब्लैक फिनिशिंग आता है, क्रोम फिनिशिंग आपको जो है वो ओवल शेप में आपको मिल जाती है, ज़्यादा क्रोम में आपको फीचर दे दिया नहीं है। 235 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग नहीं है यहाँ पे, फाइबर स्टिक मटेरियल है, सिल्वर ग्रे फिनिशिंग है, और ये जो है आपको क्रोम फिनिशिंग आता है। टॉप एंड मॉडल में यहाँ पे ये जो है वो आपको ये आपको फाइबर नहीं आता, फाइबर आता है लेकिन ये पूरा पियानो ब्लैक चढ़ के आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात आपको जो है नीचे जो है वो येलो लैंप ही आपको प्रोजेक्टर, आपको सिंगल प्रोजेक्टर तो नहीं है, हैलोजन लैंप तो आपको मिल जाएंगे। बीच में अगर बात करते हो तो ये वाली, अगर टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो ये वाली टायर प्रोफाइल अराउंड ये जो है वो 216/16 की मिल जाती है, जो भी टॉप मॉडल में भी 16 इंचेस की आपको आ जाती है, 17 इंच तक आप डलवा सकते हो, गैप वगैरह विड्थ वगैरह काफ़ी है 216 तक। ये रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आता ही नहीं इस गाड़ी में, ऊपर सफोमीटर जो है वो SUV में चली जाती है, ऊपर आप दो रूफ रेलिंग नहीं आते, टॉप मॉडल में दो रूफ रेलिंग और एक शार्पिन एंटीना आ जाता है, इसमें शार्पिन एंटीना मिल जाता है। ये डोर गार्निश आपको मिल जाता है, पेट्रोल 38 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं 255 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हील बेस की बात करते हैं 2090 mm का व्हील बेस है, काफ़ी बढ़िया से अपने सेगमेंट में गाड़ी है। 38 लीटर का पेट्रोल का टैंक है। अब जो लोग जो है वो ब्रेजा लेना तो चाहते हैं लेकिन CNG नहीं लगना चाहते, और वो सामान मतलब अंदर जो है वो लगेजेस वगैरह उनके ट्रैवलिंग ज़रा ज़्यादा करते हैं और सामान जो है वो रखना चाहते हैं, और फैमिली ओरिएंटेड है, उनके लिए ये वाला भाई ये वाला जो है वो वेरिएंट जो है वो काम का है, क्योंकि इसमें जो है वो बूट आपको काफी बढ़िया सा आपको मिल जाता है विद पार्सल ट्रे के साथ, और अंदर काफी जो है वो लगेजेस वगैरह आ सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ग्रैब हैंडल वगैरह है, और ये जो है वो मिनी रेंज रोवर लगती है, रेंज रोवर की जैसे ही मारुति सुजुकी ने प्लेटफॉर्म में काम किया हो ना वैसे, अभी लगती भी कोई है रेंज रोवर, कोई भी बंदा बोल भी नहीं पाएगा ये रेंज रोवर लगती है कि नहीं लगती, क्योंकि प्रॉपर डिट्टो जो है वो पीछे से रेंज रोवर वेलार आती है, रेंज रोवर इवोक आती है, उसके जैसा मारुति सुजुकी ने काम किया है, मतलब मिनी रेंज रोवर सी लगती है। अब पीछे अगेन बात करता हूं तो सुजुकी का आपको लोगो आपको अगेन मिल जाता है, डिफॉगर है, ऊपर शार्क पिन एंटीना है, और ये वाइपर के कंट्रोल आपको नहीं मिलते, ये पूरे LED डे टाइम रनिंग लाइट सिंगल स्ट्राइप जल के आते हैं, काफी रेंज रोवर जैसी फीलिंग देते हैं यार, सच में बोलो, नहीं लगती है रेंज रोवर, प्रॉपर रेंज रोवर लगती है। स्मार्ट हाइब्रिड आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है, चारों के चारों सेंसर आते हैं, बेस मॉडल इसका मेरे ख्याल से Alexa प्लस आता नहीं, आप इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता। ORVM आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे लेकिन फोल्डेबल नहीं मिल जाएंगे, यहाँ पे जो है ये जो है वो आपको एक लाइट आपको मिल जाती है। सबसे बढ़िया अंदर बात करेंगे तो अंदर आपको लेके चलता हूं, तो इस तरह से आपको जो है वो चारों के चारों आपको पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, ये जो है आपको अगर हम डिस्प्ले वगैरह देखते हो तो इस टाइप के जो है वो चारों के चारों पावर विंडो आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं। ऑटो फोल्डेबल ORVM जो है आपको उससे उसके बाद एक साल के बाद आपको दे दिया है तो आपको मिल जाता है। ये 4.3 इंच का आपको एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले डिस्प्ले आपको मिल जाता है, बढ़िया सा फ्लैट बॉटम आपको जो है वो ये हैंडल आपको मिल जाता है, 8,000 तक मार्किंग है, 220 तक मार्किंग है। दूसरी बात है सिल्वर ग्रे की फिनिशिंग है,
और सबसे बड़ी बात ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, फिफ्थ गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये जो है वो आपके गियर नॉम बेस मॉडल लेते हो इसका तो यहाँ पे ये क्रोम फिनिशिंग नहीं आता, नॉर्मल आता है। यहाँ पे मोबाइल वगैरह यहाँ पे रखने के लिए आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, टॉप एंड में ही मिल जाता है, यहाँ पे कुछ स्पेस है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 4.8 इंच की डिस्प्ले, टॉप एंड मॉडल लेते हो तो 10.7 इंच की मिल जाती है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, वायरलेसली चलते हैं, इसमें वायरलेसली नहीं चलते, 1000 लाइट्स की वार्निंग आपको बढ़िया। एसी काफी थ्रो काफी बड़ा अभी, ये देखो 22 अगर कर लेता हूँ, ये मैनुअल कर लेता हूँ, ये देखो फुल में ये देखो ब्लास्ट छोड़ रहा है कि नहीं, ऑटो दबाते हो तो ये सिर्फ ऑटो में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ये जो करेगा सब कुछ। और ये बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यार, मतलब मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स के साथ ये स्टार्ट किया था नेक्सा में, अभी वो एरिना में भी डाल दिया, सिल्वर ग्रे की स्ट्राइप है, बेस मॉडल में ये पूरा मेरे ख्याल से सिल्वर ग्रे वगैरह कमेंडेटरी है ही। दो ट्विटर आते हैं, 4 स्पीकर आते हैं, 1 एम्पलीफायर आता है। अब टॉप एंड मॉडल लेते हो तो 2 स्पीकर आगे, 2 मतलब ये ट्विटर आगे, 2 ट्विटर है जो है पीछे, और 4 ट्विटर, 4 स्पीकर और 1 सब ऊपर नीचे और 1 एम्पलीफायर के साथ आपको बढ़िया सा मिल जाता है। AGS गियर बॉक्स मारुति सुजुकी का ऑटोमेटिक में आता है, ये मैनुअल गियर बॉक्स है। अब मैंने एक बात बताऊँ, मैंने एक नोटिस किया इस गाड़ी में, जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी थोड़ा हार्ड है अगर मैं डिजायर से साथ कंपेयर करता हूँ तो। उस टाइम भाई साहब डिजायर आई थी और मारुति सुजुकी की सियाज आई थी, उसकी कीमत 12-14 लाख तक थी टॉप एंड मॉडल की, DDIS इंजन डीजल का, तो उसकी काफी स्मूथ थे। अभी थोड़े से जो है वो अगर आप चेंज करते हो, ये गियर ये देख लो, थोड़ा सा चेंज करते हो तो एक थोड़ा हार्डनेस आपको मिल जाता है बीच में, तो थोड़ा मारुति ने अपडेट करेगा क्योंकि जो है वो गियर बॉक्स भी चेंज हो गया। बाकी भाई बम्पर वह काफी विजिबल आपको दिख पाता है, ये 8000 तक मार्किंग है, 220 तक आपको मार्किंग मिल जाती है। मोड्स के कंट्रोल वगैरह जो है, फोन हैंगअप पिकअप जो वॉइस रिकॉग्निशन कंट्रोल वगैरह बढ़िया सा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात मारुति सुजुकी ने ये देख लो क्या कर लिया है, कितना बड़ा ग्लो बॉक्स, जो मारुति ओमनी थी उस टाइम और जो है डिजायर विजायर पहले आती थी इतना ग्लो बॉक्स नहीं मिलता था, जो भी अभी इतना भारी कर दिया। यहाँ पे क्रीजेस आपको मिल जाते हैं सिल्वर की फिनिशिंग, 4 बॉटल होल्डर है फिलहाल तो यहाँ पे, लेकिन बात करते हो तो 4 वन टच डाउन मिल जाता है, अप नहीं मिल जाता, 3 बाकी सारे जो है वो पावर विंडो के कंट्रोल वगैरह आते हैं, ये जो है वो बॉटल होल्डर चारों के चारों आते हैं। बाकी जो है वो अगर बात बता दूँ तो यहाँ पे ये डिफॉगर ऑन ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ पे मैसेज आ जाता है, और स्मार्ट हाइब्रिड आपको ऑन ऑफ एक्टिव कर सकते हो, जैसे कि रेड लाइन में गाड़ी रुकती है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये बाकी सब जो है वो थोड़ी सी धूप पड़ चुकी है, लेकिन ये डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलता, 2 एनालॉग आते हैं। टॉप एंड मॉडल ने ये वाला डिस्प्ले थोड़ा बड़ा वो सियाज वाला कर दिया है, और ये देख लो आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ठंड हो गई गाड़ी में तो ये नॉर्मली चिल्ड आउट करने के लिए कर दिया। टॉप मॉडल लेते हैं यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह आ जाता है, इसमें कोई क्रूज कंट्रोल नहीं आता, वॉइस रिकॉग्निशन बाकी है, यहाँ पे फोन हैंगअप पिकअप करने के लिए आपको बढ़िया सा मिल जाता है, और इसमें ये देखो अब डिटेक भी हो गया। इसमें जो है वो मेरे ख्याल से सारे एयरबैग्स की बात करते हैं तो फ्रंट में 2 ही एयरबैग्स आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। टॉप एंड मिडल में 4 एयरबैग्स आते हैं, यहाँ पे वाइजर ई जो है वो टिकट होल्डर है, अभी डीलर का नाम लिखा है। और सबसे बढ़िया बात मारुति सुजुकी ने डिजायर में तो नहीं दे दिया, एक मिरर दे देते हैं, पेडल लैंप नहीं आपको मिल जाता है, IR भी मैनुअल नहीं है भाई साहब, ये डे टाइम रनिंग लाइट तो है लेकिन मैनुअल मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात बम्पर काफी विजिबल है, चनाने वाइज भाई काफी ज्यादा बढ़िया यार, काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल है गाड़ी, काफी मैनुअल ट्रांसमिशन खींच पाते हैं यहाँ पे। ये जो है वो काफी, अब टॉप एंड मॉडल लेते हो तो यहाँ पे सिल्वर की फिनिशिंग वगैरह तो आप बोलोगे ये सिल्वर ग्रे फिनिशिंग वगैरह ऐसी डिजाइन है, तो उस तरह से कुछ मिल जाते हैं। टॉप एंड मॉडल में किया क्या है उन्होंने, HUD डिस्प्ले तो मिलता नहीं, स्क्रीन बढ़ा दी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट तो मिलता है लेकिन ये वाला पूरा जो है वो लुक चेंज हो जाता है, पियानो ब्लैक और एक कर दी, थोड़े से लेदर अपहोल्स्ट्री वगैरह आपको पूरे सीट्स वगैरह मिल जाते हैं। और दूसरी बात है कि प्रोजेक्टर लैंप वगैरह आते हैं, ऊपर 2 रूफ रेलिंग आपको मिल जाती है, मतलब एक्सेसरी चढ़ाई है लेकिन प्राइस जो है एक्सटेंड होती है अगर मारुति सुजुकी। अब एक्सेलरेट करते हो ये ना, पूरा एक्सलेट कर लिया, 3000-3500 का आवाज़ भी नहीं आता, मतलब के सीरीज का इंजन कितना सुधार लिया देख लो। अब मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ ये गाड़ी आपको कैसी है, जैसे इस गाड़ी के रोड साइड खड़ा हो सफोमीटर SUV में जाती है, पीछे अगर बैठता हो तो भाई साहब यहाँ से देखो ये कॉर्नर से काफी रेंज रोवर जैसी नहीं लगती, काफी रेंज रोवर जैसी लगती है, अंदर खोलता हूँ तो इस टाइप से जो है वो बैठ सकते हो। अब एक बात बताओ, इस गाड़ी का 5-7, 5-8, 6 फीट तक बंदा ट्रैवल कर सकता है, लेकिन लेग स्पेस जो है वो लेग स्पेस थोड़ा और जो है वो अंदर चला जाता तो ठीक होता, क्योंकि बैठते वक्त ये वाला कुशन थोड़ा आगे चलाता है और टिल्टेड होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ तक है, लेकिन 6 फीट इंचेस टॉल भी बैठ सकता है। यहाँ पे एक टोइंग हुक आ जाता है, यहाँ पे स्पेस है, मतलब ये एक्सेसरीज का वाला पार्ट है, टोइंग हुक जो है वो मेरे ख्याल से लेदर पॉलिस्ट्री में आपने जो है वो कवर में चढ़ा के रखा है कि कंपनी फिटेड है, टोइंग हुक कंपनी फिटेड टोइंग हुक आपको मिल जाता है। 2 आपको AC विंड्स के कंट्रोल, पीछे काफी कूलिंग कर लिया गाड़ी ने और आवाज भी नहीं करती गाड़ी, देख लो काफी शांत, ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठा हुआ हो, इतना ज्यादा शांत है। 2 जो है वो AC विंड्स के कंट्रोल, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ये देख लो टॉप एंड लेदर टाइप सी केबल, आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एक्सेसरी में आता है, यहाँ पे कुछ नहीं आता, लेकिन उसके लिए 14 लाख रुपए क्यों फूकने यार, जो भी 12 लाख के अंदर आपको एक ऐसी गाड़ी हो जो भी जो है वो सफोमीटर SUV हो, बड़ी गाड़ी हो, यहाँ पे बंपर दिखता हो विजिबल और काफी अच्छी प्रेजेंटेबल गाड़ी हो, तो कैसी लगी मारुति सुजुकी ब्रेजा? सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल है, और सबसे बड़ी बात ये मत भूलना, स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाता है।
आता है, खोलते हो तो एक मैग्नेटिक सेंसर आता है, यहाँ पे जो है वो आपको ग्रैब हैंडल आता है, यहाँ पे जो गोट आती है उसकी 300-420 लीटर का आपको स्पेस मिल जाता है। दो CNG के टैंक भी आ सकते हैं इसमें, अगर 8-8 किलो के 16 किलो के हटाते हो तो CNG लगाते हो तो 320 लीटर का बन जाएगा ये वाला, फिर भी स्पेस बन जाएगा। पार्सल ट्रे बढ़िया सा मिल जाता है, बंद करते हो तो इस तरह से आपको ये बंद हो जाता है। और ये जो है वो पियानो ब्लैक फिनिशिंग में जो रेंज रोवर लगती है ना पीछे से, वो आप मतलब छोड़ ही दो, कंप्लीट रेंज रोवर जैसी फीलिंग है पीछे से। और कैसे लगी मारुति सुजुकी की ब्रेजा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैल्यू फॉर मनी है, 12 लाख तक अंडर आपको गाड़ी एक सफोमीटर और SUV का भी फील जाइए, तो एक Hyundai की वेन्यू और किया की सोनिक ऐसी गाड़ी है, तो अगर डायमेंशन वाइज बोलते हो तो ये काफी बड़ी हो जाती है। तो कैसे लगी जो है मारुति सुजुकी ब्रेजा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये जो भाई साहब बन करते हैं 1 लाख किलोमीटर के अंडर चले, मतलब एक साल हो चुका है, 15-20 हज़ार किलोमीटर चला दिए पेट्रोल में, सिर्फ जो है वो नॉन पोल्यूटेड व्हीकल CNG का बेजिंग आपको मिलती ही नहीं, क्योंकि नॉन CNG व्हीकल पेट्रोल में VXI देख रहे हो, जो भी 11,80,000 उसकी एक शोरूम कीमत है, 12.5 लाख तो आपको ऑन रोड चढ़ जाती है। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है और बिल्ड क्वालिटी भाई साहब मारुति सुजुकी की गाड़ी कहीं से भी लगती नहीं है, देख लो कितनी भारी ब्रेजा, इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी वाइज है ना, काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, OMY007 चैनल को। वीडियो देख लेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।